सेवा जोहार साथियों, भारत के आदिवासी समुदाय की अपनी एक खास संस्कृति, परंपरा और रीति रिवाज होती है। हाल ही के कुछ वर्षों में आदिवासी लोग ईसाई धर्म अपना रहे हैं, जिसे लेकर आदिवासी समाज के कई लोग चिंतित हैं और इसका विरोध कर रहे हैं। उनका मानना है कि यहाँ केवल एक धर्म का मुद्दा नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति और उनके पहचान को बचाने का एक सवाल भी है। तो आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में कि आखिरकार आदिवासी लोग ईसाई धर्म का विरोध क्यों करते हैं, धर्म परिवर्तन के खिलाफ आदिवासियों की क्या है चिंताएं। सबसे पहला है सांस्कृतिक पहचान का खतरा। आदिवासी समाज अपनी खास पहचान, परंपराओं, रीति रिवाजों और त्योहारों के लिए जाना जाता है। धर्म परिवर्तन से आदिवासियों को लगता है कि उनकी प्राचीन परंपराओं और संस्कृति धरोहरें धीरे धीरे समाप्त हो रही है। वे मानते हैं कि धर्म परिवर्तन से उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। जब परिवार के कुछ सदस्य ईसाई धर्म अपना लेते हैं तो इससे परिवार और समाज में मतभेद पैदा हो जाते हैं। इससे सामाजिक एकता पर असर पड़ता है, जो कि आदिवासी समाज की एक खासियत रही है। आदिवासी समाज हमेशा से धार्मिक सहिष्णुता का सम्मान करते हुए आया है, लेकिन ईसाई धर्म के परिवर्तन को लेकर कहीं आदिवासियों का मानना है कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता और सहिष्णुता पर असर पड़ता है। आदिवासी समाज को लगता है कि धर्म परिवर्तन के प्रयास से बाहरी लोगों के हस्तक्षेप का एक प्रतीक है। उनका मानना है कि धर्म परिवर्तन के जरिए उनकी परंपराओं और सांस्कृतिक में बाहरी लोगों का हस्तक्षेप होना एक आम बात है, जो उनके समाज के लिए खतरा है। आदिवासी समाज के कई लोगों का मानना है कि ईसाई मिशनरियों द्वारा स्वास्थ्य सेवाओं और आर्थिक मदद का इस्तेमाल धर्म परिवर्तन के लिए किया जाता है। उनका मानना है कि कमजोर वर्गों के लिए ऐसी सुविधाएं देना और बदले में धर्म परिवर्तन की उम्मीद करना है। आदिवासी समाज में धर्म परिवर्तन का विरोध सिर्फ एक धार्मिक मुद्दा नहीं है, बल्कि यहाँ उनकी संस्कृति, पहचान और परंपराओं की रक्षा करने का एक संघर्ष है। यहाँ जरूरी है कि हम आदिवासी समाज के इस दृष्टिकोण को समझें और उनकी संस्कृति, परंपराओं और धार्मिक स्वतंत्रता का सम्मान करें। धर्म परिवर्तन का यहाँ विरोध आदिवासी समाज की अपनी पहचान और विरासत को बचाने की इच्छा का प्रतीक है, जिसे समझना और सम्मान देना हम सभी का कर्तव्य है।